हेलो एवरीवन आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर मैट्रिसेस क्लास ट्वेल्थ तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देख रखा है मतलब हमें क्या करना है इनवर्स पता करना है कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके ठीक है तो हमने इससे पहले देख लिया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते कैसे हैं उससे यूनिवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देख रखा है वन माइनस वन टू थ्री तो मान लेते हैं कि ये कोई बी मैट्रिक्स है हमारे पास ठीक है ये कोई बी मैट्रिक्स है हमें इसका क्या करना है इन्वर्स पता करना है तो हम इसको पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेते हैं इसको रो से करते हैं अगले वाले को हम कॉलम वाले से कर लेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं हम लोग तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने बताया था कि इसको लिखते कैसे हैं कैसे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे बी इज़ इक्ल टू आई बी ठीक है हम लोग कॉलम वाला करते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको बी इज इक्ल टू बी आई ठीक है क्यों लिखते हैं इसके बारे में बताया था कि अगर आप मतलब कि इस तरीके से लिख के और रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो इसके बाद जो मिलने वाला होगा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो दोनों साइड बराबर नहीं होगा हमारे पास ठीक है तो इसको करते हैं बी इज इक्ल टू आई बी करके तो ये हमारे पास वन माइनस वन टू थ्री ये एक मैट्रिक्स दे के रखा है हमारे पास इज इक्ल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन और बी जैसा वैसे छोड़ देते हैं मतलब बी को बार बार लिखेंगे नहीं क्योंकि इस पर कोई कुछ करना है नहीं हमें तो पैक क्या क्या बताया था कि पहले क्या करेंगे पहले हम लोग ये वाला जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे वन बनाएंगे तो यहाँ पे तो वन ऑलरेडी है हमारे पास इसके बाद हमारा अगला टारगेट क्या था कि फ़र्स्ट कॉलम में यहाँ पे जीरो बनाओ फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्या करना है हमें जीरो बनाना है तो इसको जीरो बनाने के लिए हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा टू है और ऊपर में वन है तो हम रो टू में एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं रो टू माइनस टू रो वन ठीक है रो टू माइनस टू रो वन करेंगे तो ये हमारे पास टू माइनस टू टाइम्स वन करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो करते हैं उसको रो टू माइनस टू रो वन ठीक है तो ये तो वन और माइनस वन पहले वाले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस पर कितना आ जाएगा टू माइनस टू ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास तो थ्री प्लस का टू कितना आ जाएगा हमारे पास ये फाइव हो जाएगा हमारे पास तो ये ऐसा आ गया, गया ओके और इधर कैसा आ जाएगा हमारे पास ये तो वन जीरो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और जीरो वन कितना रहेगा जाएगा तो आर टू माइनस टू आर वन जब करेंगे तो दिस वन विल बी माइनस टू और वन माइनस का जीरो करेंगे तो ये तो हमारे पास वन ही रहेगा और टाइम्स कितना बी ओके ये हो गया हमारे पास अगला टारगेट क्या था हमारे पास अगला टारगेट था यहाँ पे सेकेंड रो अगला टारगेट था हमारे पास सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वन बनाना तो यहाँ पे पहले वन बनाते हैं तो यहाँ पे वन बनाने के लिए क्या किया जाए आर टू में डायरेक्टली uh, फ़ाइव से डिवाइड कर देते हैं आर टू में आर टू बाई क्या कर देते हैं फाइव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास फ़ाइव से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो वाला तो वैसे ही रहेगा हमारे पास वन माइनस वन ठीक है इसमें अगर फ़ाइव से डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये कितना जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास ये वन आ जाएगा ठीक है इज़िक्वल टू यहाँ से ये पहला वाला तो हमारे पास वैसे ही रहेगा वन जीरो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं फाइव से डिवाइड कर रहे हैं तो दिस वन विल बी माइनस टू बाई फाइव और दिसवन विल बी वन बाई फाइव ठीक है और ये हमारे पास बी जैसा का तैसा आ गया हमारे पास ओके okay? अब हो गया हमारे पास यहाँ पे भी बन आ गया फिर अगला क्या करना है हमें अगला करना है ये वाले को इस वाले को क्या करना है ज़ीरो बनाना है तो उस वाले को ज़ीरो बनाने के लिए हम लोग कौन सा ये कर लिया जाए रो वन में रो वन में कर देते हैं रो वन और प्लस रो टू सीधा सीधा कर देते हैं हो जाएगा काम आपसे हमारा तो रो वन प्लस रो टू अगर करेंगे तो कितना बनेगा देखो रो वन प्लस रो टू उसके कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स अगर ऐड करें तो यहाँ तो वन ही रहेगा और माइनस वन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और बाकी ये जीरो और वन ये आई हमारे पास बन गया यही हमारा टारगेट था आई बनाना और इस साइड में कितना रहेगा हमारे पास रो ऐड करेंगे तो वन माइनस टू बाई फाइव कितना रहेगा हमारे पास थ्री बाई फाइव आ जाएगा ऊपर में ये हमारे पास कितना रहेगा वन बाई फाइव ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू बाई फाइव और दिस वन विल बी वन बाई फाइव कितना बी तो हमारे पास हमारा फाइनली किस तरीके से आ गया i इज़ इक्वल टू सम टाइम्स बी तो a ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये मतलब ऐसा हो जाएगा ना b इनवर्स b हो जाएगा हमारे पास तो जो मैट्रिक्स हमें देख रखा था उसका इनवर्स क्या हो जाएगा उसका इनवर्स हो जाएगा थ्री बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव और कितना वन बाई फाइव ये हमारे पास पहले वाले का इन्वर्स निकल के आ जाएगा ठीक है तो एक साथ इसको देख लेते हैं हम लोग एक साथ हमने किस तरीके से कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे ओके क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू को हम कॉलम वाले से कर देते हैं क्वेश्चन नंबर टू है टू वन 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 हमारे पास टू वन 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 ओके टू वन 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 ओके मान लेते हैं कि ये सी मैट्रिक्स है हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ऐसे नाम दे दे रहे हैं बस थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा हमारे पास तो उसको ये करने में तो हम इसको क्या करेंगे कॉलम से यूज़ करने वाले हैं तो कॉलम के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं सी इज़ टू सी आई ठीक है तो शुरू करते हैं सी यानी कि कितना हो जाएगा टू वन 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 ये हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल टू सी को ऐसे छोड़ देते हैं और आई हमारे पास कितना हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन ओके ये निकल के आ गया हमारे पास अब क्या करना है पहले हमें पहले फर्स्ट कॉलर और फर्स्ट रो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वन बनाना है यानी कि पहला काम होगा हमारे पास यहाँ पे वन बनाना तो वहाँ पे वन बनाते हैं उसके लिए क्या किया जाए यहाँ से सी वन और सी टू को क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं C1 और C2 को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम वाला यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहेगा कॉलम वाला यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो दिस वन विल बी वन दिस वन विल बी वन दिस वन विल बी टू दिस वन विल बी वन ओके ये हमारे पास C और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये जीरो हो, हो जाएगा हमारे पास ठीक है ये हो गया हमारे पास अब क्या किया जाए अब यहाँ से ये जो टू है उसको ज़ीरो बनाते हैं उसको टू को ज़ीरो बनाते हैं तो टू को मतलब अगला टारगेट होगा हमारे पास ये वाला ठीक है जैसे उसमें कॉलम वाले में कर रहे थे कि कॉलम वाले में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर यहाँ पे हम लोग जीरो बनाते थे तो इस बार कॉलम वाले मतलब रो वाले में करते हैं हम लोग कि फर्स्ट रो में अब जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उसको जीरो बनाते हैं तो टू को जीरो कैसे बनाया जाए तो सी टू में सी टू में हमें क्या करना होगा सी टू माइनस टू सी वन करने से हो जाएगा सी टू माइनस टू सी वन करने से हो जाएगा हमारे पास तो करते हैं सी टू माइनस टू सी वन तो ये वन और वन ये तो वैसे ही रह जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा और ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा जीरो और वन माइनस माइनस टू वन माइनस टू तो वन माइनस टू कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस वन ठीक है ये वन में से हम लोग माइनस का टू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू सी टाइम्स इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास सी टू में करना है तो पहले वाला सी वन को तो वैसे ही रख देते हैं जीरो वन और इसमें वन माइनस जीरो करेंगे तो ये तो वन ही होगा हमारे पास और जीरो माइनस टू तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस टू ओके अब क्या करना है हमें अब यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम मतलब ये वाला हमारा टारगेट होगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इसको हमें क्या करना है वन बनाना है ठीक है तो इसको वन कैसे बनाया जाए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी टू में क्या करते हैं माइनस ऑफ सी टू कर देते हैं सी टू में माइनस सी टू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये वन वन इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसमें माइनस सी टू करेंगे तो ये जीरो और ये वन हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू सी टाइम्स इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो माइनस वन वन और ये कितना आ जाएगा हमारा पास बस प्लस का टू प्लस का टू ओके अब अगला क्या बन गया हमारे पास इसको क्या करना है ज़ीरो कर देना है ये वाले पार्ट को इस वाले पॉइंट को क्या करना है ज़ीरो लेके आना है यहाँ पे तो ज़ीरो के लिए क्या किया जाए सी वन में सी वन माइनस क्या कर देते हैं सी टू कर देते हैं हो जाएगा इससे तो देखो कैसे हो जाएगा सी वन माइनस सी टू करेंगे तो ये वन हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा हमारे पास ठीक है और यहाँ पे सी टाइम्स सी वन माइनस सी टू तो सी वन माइनस सी टू अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ये हो जाएगा माइनस वन और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का टू तो ये क्या गया है हमारे पास ये इसका इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास ओके एक मिनट तो सेकंड वाला हो गया हमारे पास तो सेकंड एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है इसमें किस तरीके से इसका निकाला है ठीक है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है सब कुछ आपके एक बार एक बार में सामने है ओके नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो अब क्या करेंगे ना अब सब में हम एक ही तरीके से कर देते हैं रो वाले तरीके से वन थ्री टू सेवन एक मैट्रिक्स ले, ले लेते हैं उसमें वन थ्री टू सेवन ये हो गया हमारे पास वन थ्री टू सेवन ओके तो इसको सॉल्व करते हैं और रो वाले तरीके से करेंगे तो रो वाले के लिए ए इजिकल टू कितना लिख देंगे हम लोग आइए लिख देंगे ठीक है तो करते हैं ए कितना देख रखा है हमारे पास वन थ्री टू सेवन ओके इक्वल टू आई क्या हो जाएगा हमारे पास वन ज़ीरो ज़ीरो वन और ए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग तो पहला वाला तो है हमारे पास सही है हमारा टारगेट क्या होता है फिर से वापस एक बार जो स्टेप्स मैंने लिखाए थे उसको एक बार देख लेना कि ये क्या होता है फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वन लेके आना होता है वहाँ पे तो वन है ऑलरेडी ठीक है फिर क्या करना होता है ये हो गया हमारे पास वन है तो ये वाले को क्या कर लो जीरो करो पहले फर्स्ट कॉलम में जितने सारे और हैं वो जीरो करो तो यहाँ पर टू को जीरो करना है हमें तो टू को ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आर में क्या लगाएंगे आर और माइनस टू ठीक है ये वाला स्टेप करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास तो देखो कितना आ जाएगा ये दिस वन विल बी आर टू में मतलब तो वन और थ्री आर वन में तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें चेंज करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और माइनस का टू आर वन करेंगे तो सेवन माइनस सिक्स जो होगा वो हमारे पास वन हो जाएगा ओके इज इक्वल टू क्या हमारे पास वन और जीरो वो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा दूसरे वाले में आर टू में माइनस का टू आर वन करेंगे तो दिस वन विल बी माइनस टू एंड दिस वन विल बी वन और टाइम्स कितना ए अब ये हो गया हमारे पास अगले वाले में क्या किया जाए ये यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वहाँ पे वन बनाना होता है तो वहाँ पे वन है तो अब क्या करना है इसको जीरो बनाना है थ्री को तो क्या किया जाए आर वन में आर वन में क्या किया जाए आर वन में से थ्री आर टू घटा देते हैं तो ये ये वन टाइम्स थ्री करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास तो देखो कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास और ये जो होगा हमारे पास वो जीरो और वन ठीक है तो जो आई बनाना था वो बन चुका है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास आर वन में से माइनस का थ्री आर टू घटाना है तो ये सेवन हो जाएगा और माइनस का थ्री आर टू घटाएंगे तो ये माइनस थ्री हो जाएगा और ये माइनस टू और वन ये जैसा था ये वैसा ही रह जाएगा हमारे पास ये ये हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया आई इज इक्वल टू बी टाइम्स ए यानी कि ये क्या होगा हमारे पास ए इन्वर्स होगा तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई आया हमारे पास तो यहाँ से ए इन्वर्स कितना आ जाएगा ए इन्वर्स जो है वो सेवन माइनस थ्री माइनस टू और कितना वन ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया इसका भी सेवन माइनस थ्री माइनस टू और वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वन फोर्थ हमारे पास टू थ्री फाइव सेवन चलो ये मैट्रिक्स ही बोल देते हैं इसको भी टू थ्री फाइव सेवन ठीक है ये हो गया हमारे पास अगेन इसको उसी तरीके से करेंगे ए इज इक्वल टू आइए रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे हम लोग तो ये कितना है हमारे पास टू थ्री फाइव सेवन इजिकल टू आई आई का मतलब वन ज़ीरो ज़ीरो वन और यहाँ ए ओके okay. तो क्या करना पड़ेगा पहले हमें यहाँ पे टू टू को पहले वन बनाना है तो टू को वन कैसे बनाएंगे हम लोग तो उसके लिए पहले वाले में रो वन में रो वन में क्या किया जाए रो वन और होल डिवाइड बाई टू कर देते हैं रो वन बाई टू कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास वो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा टू बाई टू तो ये वन हो जाएगा ये भी थ्री बाई टू हो जाएगा दोनों में डिवाइड होगा और ये फ़ाइव और ये सेवन जैसे कहते हैं इसे इज इक्वल टू यहाँ पर भी रो वन में वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा वन बाई टू ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये वन और इधर कितना ए ये हो गया हमारे पास अब अगला क्या करना है इसको ज़ीरो बनाना है ये वाले फ़ाइव को जीरो बनाना है तो रो टू में लगाते हैं और रो टू में क्या किया जाए रो टू माइनस का कितना फाइव रो वन ठीक है तो कितना हो जाएगा हमारे पास वन थ्री बाई टू और ये कितना हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो और सेवन माइनस फाइव टाइम्स थ्री फिफ्टीन बाई टू सेवन माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास फिफ्टीन बाई टू तो माइनस का हाफ हो जाएगा फिर माइनस हाफ हो जाएगा ना माइनस हाफ हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से रोटू में तो ये ये तो हमारे पास वैसे ही रहेगा ठीक है रोटू में आर टू माइनस का फाइव आर वन करना है तो ये हो जाएगा माइनस का फाइव बाई टू और ये हमारे पास वन इधर एक का ए वैसे ही छोड़ दिया हमने फिर अगला स्टेप क्या करना है यहाँ पे हमें क्या करना है वन लेके आना है तो वन लेके आने के लिए आर टू में एक चेंज लेके आते हैं और आर टू में ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे माइनस कट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस कट टू आर टू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये तो ऐसे ही रहेगा वन और थ्री बाई टू ये कितना हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा हमारे पास इस साइड में भी रो टू में करेंगे बस तो ये हो जाएगा वन बाई टू ये जीरो इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन विल बी फाइव और दिस वन विल भी माइनस टू ये हो गया हमारे पास अब ये थ्री बाई टू को क्या करना है हमें ज़ीरो करना है ठीक है तो थ्री बाई टू को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आ, आर वन में आर वन में आर वन माइनस कितना करना पड़ेगा थ्री बाई टू आर टू करने से हो जाएगा हमारे पास वहाँ पे जीरो बन जाएगा ओके ये ये तो वन ही रहेगा क्योंकि जीरो में माइनस थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे पास थ्री बाई टू में से थ्री बाई टू इंटू आर टू तो आर टू कितना है वन है हमारे पास यहाँ पे ये यह एलिमेंट तो कितना हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये वन हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास पहला वाला यहाँ पे आर वन में चेंज करना है आर वन माइनस थ्री बाई टू आर टू तो वन बाई टू यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू आर टू और ये ज़ीरो और माइनस थ्री बाई टू इंटू कितना माइनस टू और ये फाइव माइनस टू और इधर हमारे पास जो ए है वो ए आ जाएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस का थ्री बाई टू है ना तो फिफ्टीन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस का फोर्टीन बाई टू माइनस सेवन माइनस सेवन ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का थ्री दिस वन विल बी फाइव और दिस वन विल बी माइनस टू ए तो हमारे पास फाइनली बना क्या आई इज इक्वल टू बी ए आई इज इक्ल टू बी ए तो हमारे पास बी जो होगा वो ए इन्वर्स होगा तो ए इन्वर्स कितना आ जाएगा हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा माइनस सेवन थ्री फाइव और कितना माइनस टू माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू ओके ये हमारा इसका इन्वर्स हो जाएगा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन टू वन सेवन फोर टू वन सेवन फोर अच्छा इसको करना है हमें तो चलो इसमें हम कॉलम वाला बता देते हैं ठीक है इसको अगेन ए बोल देते हैं ए मैट्रिक्स बोल देते हैं कॉलम वाला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो A, ठीक है तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग ए आई कॉलम वाला इसलिए यूज़ कर रहे हैं ना कि यहाँ पे यूँ हमारा यहाँ वन दिख रहा है तो थोड़ा सा ईजी दिखेगा वैसे ए इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे तो ए कितना है हमारे पास टू वन सेवन फोर ओके इज इक्वल टू ए और आई आई का मतलब वन ज़ीरो जीरो वन ये हो गया हमारे पास ओके तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या करना है यहाँ पे इस टू की जगह पे वन लेके आना है तो सी वन और सी टू को क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम वन और कॉलम टू को क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं तो कॉलम वन कॉलम टू को इंटरचेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा वन यहाँ पर बन जाएगा फोर यहाँ पर टू यहाँ पर कितना सेवन ये बन गया हमारे पास इज इक्वल टू ए और जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन यहाँ पे वन यहाँ पे कितना ज़ीरो ठीक है ओके okay, ये हो गया हमारे पास अब अगला क्या करना है यहाँ पे टू की जगह पे जीरो लेके आना है तो सी टू में सी टू में क्या करना है सी टू माइनस टू सी वन ठीक है कॉलम वाले में हम लोग क्या करेंगे हमारा टारगेट क्या होगा देखो ये इस तरीके से है ना इस तरीके से एक दो तीन चार चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो सबसे पहला काम यहाँ पे वन लेके आओ ठीक है यहाँ पे वन लेके आ गए हम लोग यहाँ पे वन लेके आने के बाद यहाँ पे जीरो लेके आओ मतलब फर्स्ट वाले कॉलम फर्स्ट वाले रो में जितने एलिमेंट्स और बचे हुए वहां पे जीरो लेके आओ तो यहां पे जीरो लेके आएंगे ठीक है फिर अगला टारगेट क्या होगा फिर अगला टारगेट होगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यहां पर यहां पर वन ले आना टारगेट होगा और फिर लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे जीरो लेके आएंगे ओके तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग आते हैं? C2 में C2 टू माइनस टू सी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा C2 में चेंज करना है तो वन और फोर इसको तो ऐसे लिख देते हैं C1 में कोई चेंजिंग नहीं C2 टू माइनस टू करेंगे तो दिस वन भी जीरो और सेवन माइनस एट हो जाएगा कितना माइनस वन ये हो गया इजिक्वल टू ए टाइम्स इधर कितना आ जाएगा हमारे पास C2 में चेंज करना है तो जीरो वन इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं सी टू तो यहाँ तो वन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का ओके okay. फिर अगला क्या करना है हमें यहाँ पे वन लेके आना है ये वाले पार्ट में वन लेके आना है तो हम लोग सी टू में सीधे सीधे एक चेंज कर देते हैं सी टू में माइनस का सी टू कर देते हैं ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा ज़ीरो ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा कितना वन इक्वल टू ए और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो माइनस वन वन और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का ओके okay, वन हो गया हमारे पास अब यहाँ पे जीरो लेके आना है तो क्या किया जाए सी वन में सी वन माइनस फोर सी टू कर देते हैं देखो एक बार अगर डायरेक्शन पता हो ना कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या, क्या क्या करना है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा अदरवाइज़ ना कन्फ्यूज ही रह जाओगे कि करना क्या है और बड़ा मुश्किल होता है वैसे करना ठीक है फाइनली आंसर सही निकल के भी नहीं आएगा मतलब ऐसे दो पन्ने तीन पन्ने चले जाएंगे क्योंकि एक बनाओगे दूसरा बिगड़ जाएगा तब तक ठीक है तो इसका ध्यान रखो कि कैसे सिक्वेंसिली हम लोग कैसे लेके आ तो रहे हैं ओके सीवन uh, में से सीवन माइनस फोर करना है तो सीवन माइनस फोर करेंगे तो ये तो हमारे पास वन ही रहेगा ठीक है और फोर में से फोर सी टू करेंगे यहाँ से तो ये ज़ीरो हो जाएगा और बाकी जो दूसरा है उसको तो कुछ चेंज करना नहीं है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये हमारे पास ए था तो ए को ऐसे छोड़ दो तो सी वन माइनस फोर सी टू तो जीरो माइनस का फोर यानी कि ये हो जाएगा फोर और सीवन माइनस का फोर सी टू तो ये हो जाएगा माइनस का सेवन ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा हमारे पास कितना टू तो आ गया हमारे पास आई इज इक्ल टू आई इज इक्ल टू ए टाइम्स बी तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ए इन्वर्स कितना आ गया ए इन्वर्स आ गया फोर वन फोर वन माइनस सेवन और टू एक्चुअली इन्वर्स निकालने का ना अभी जब हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी एक तरीका बताएंगे ठीक है अच्छा यहाँ पे कुछ गलती हो गया है. ये माइनस वन था ना सी वन माइनस फोर सी टू तो ये माइनस वन है हमारे पास फोर माइनस वन और माइनस सेवन टू तो हम लोग जब डिटरमिनेंट मेथड पढ़ेंगे ना तो डिटरमिनेंट में भी आ, इन्वर्स निकालने का एक तरीका होता है ठीक है और फिर लास्ट में एक शॉर्टकट भी बता देंगे इसका ओके ये हो गया हमारे पास आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है टू फाइव वन थ्री टू फाइव वन थ्री ओके अगेन ए इज इक्वल टू आई ए रोड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कर लेंगे ना ये ये वाले में मतलब बहुत लोगों को डाउट होता है ना ए इक्वल टू आई ए क्यों करते हैं ए इक्वल टू ए आई कर क्यों करते हैं ठीक है तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ठीक है आप लोग देख लेना कि रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर ए आई पर करोगे ना तो दोनों साइड से बराबर नहीं आएगा यहाँ से ये बराबर आता है हमारे पास ए इक्वल टू आई ए ठीक है तो ए कितना है हमारे पास ए जो है वो टू है फाइव है वन है और थ्री है ठीक है और इधर हमारे पास आई कितना हो जाएगा हमारे पास वन ज़ीरो ज़ीरो वन ये आई हो गया और ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं ठीक है तो क्या किया जाए पहले रो में तो रो टू और रो वन को क्या करते थे इंटरचेंज कर देते हैं तो ये वन जो है वो ऊपर चला जाएगा सबसे पहला टारगेट वही होता है हमारे पास ऊपर में वन बनाना तो ये वन हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा ये टू हो जाएगा ये फाइव हो जाएगा ठीक है और इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास इधर से आ जाएगा ये जीरो वन वन ज़ीरो अच्छा एक चलो यहाँ पे हम करके बता देते हैं ये ए हमारे पास कितना था ए जो था वो टू फाइव वन और थ्री था ठीक है एक्चुअली है क्या ना कि इधर भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया उधर भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना तो आप देखोगे ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप राइट हैंड साइड में तो दो मैट्रिक्स जो होगा दोनों साइड इक्वल हो जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो टू टाइम्स जीरो ये हो जाएगा वन इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो ये हो जाएगा थ्री इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो टू और इसको मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना रहेगा फाइव तो आप देख लो कि देख सकते हो कि दोनों साइड से जो है ना वो मैट्रिक्स जो है वो बराबर होते रहता है हमारे पास ठीक है ओके तो इसको हटा देते हैं हम अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है यहाँ पे जीरो बनाना ठीक है देखो जब रो वाला यूज़ कर रहे होंगे मतलब ये हमारे पास मैट्रिक्स है ठीक है रो वाला यूज़ कर रहे होंगे तो ऐसे जाएंगे ऐसे 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 और ऐसे इस टाइप से कह सकते हो ये वाला डायरेक्शन रखो आप ठीक है यहाँ पे वन बनाओ यहाँ पे जीरो बनाओ यहाँ पे जीरो बनाओ फिर क्या करो अच्छा एक मिनट ऐसे पूरा इस तरीके समझ ओके। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं यहाँ पे? वन बनाते हैं फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं यहाँ पर जीरो बनाते हैं थर्ड स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पर जीरो बनाएंगे थर्ड स्टेप हमारा ये होगा फोर्थ स्टेप जो होगा ना फोर्थ स्टेप वो यहाँ पे वन बनाने का होगा फिफ्थ स्टेप यहाँ पे जीरो बनाओ सिक्स स्टेप यहाँ पे जीरो बनाओ सेवेंथ स्टेप में सेवेंथ स्टेप में यहाँ पे वन बनाओ और फिर बाकी ये दोनों लास्ट स्टेप होगा हमारे पास तो फर्स्ट स्टेप वन बनाओ सेकंड स्टेप में यहाँ पे जीरो बनाओ ये हम लोग किसके कर रहे हैं ये रो वाले में कर रहे हैं ठीक है ना रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम थोड़ा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ज़्यादा ठीक है ओके वन थ्री टू फाइव हम फिर से वापस इसको लिख लेते हैं कितना कितना था हमारे पास रो टू और रो वन को इंटरचेंज किया था ना वन थ्री टू फाइव वन थ्री टू फाइव ये हो गया हमारे पास और ये था हमारे पास कितना इंटरचेंज करने के बाद जीरो वन वन ज़ीरो जीरो वन वन ज़ीरो ये हो गया हमारे पास और ए ठीक है तो क्या काम होगा अगला यहाँ पे जीरो बनाना तो जीरो कैसे बना लेंगे तो रो टू में रो टू माइनस टू आर वन कर देते हैं टू रो वन तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा वन और थ्री ये तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें फ़र्क पड़ेगा ये जीरो हो जाएगा और फाइव में से थ्री टाइम्स टू घटाएँगे तो कितना हो जाएगा माइनस का वन ठीक है इज इक्वल टू इधर भी हो जाएगा हमारे पास ये जीरो और वन इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसमें अगर करेंगे तो वन माइनस जीरो तो ये तो वन ही रहेगा और जीरो माइनस टू ये हो जाएगा माइनस टू एंड दिस वन इज़ एके यहाँ पे क्या करना है इसको वन बनाना है अब तो क्या कर दिया जाए रो टू में माइनस का रो टू कर देते हैं मान माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये वन थ्री ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा हमारे पास कितना वन ठीक है इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा हमारे पास रोड टू में तो ये जीरो वन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन एब्लिपी माइनस वन दिस वन एब्लिपी टू ओके फिर और क्या करना हमें अगला टारगेट यहाँ पे जीरो करना है तो क्या किया जाए आर वन में आर वन और माइनस थ्री आर टू कर दिया जाए तो ये हो जाएगा वन आ, ये हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो हो, हो जाएगा वन इजिक्वल टू माइनस का थ्री आर टू करना है तो जीरो माइनस का थ्री तो ये हो जाएगा थ्री और वन माइनस का थ्री तो माइनस का हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा माइनस वन ये हो जाएगा टू इंटू कितना ए हो गया हमारे पास आई इजिकवल टू दिस वन तो ए इनवर्स सीधे सीधे अब की बार लिख देते हैं ए इनवर्स जो है वो कितना जाएगा थ्री माइनस फाइव माइनस वन और टू ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री का थ्री माइनस फाइव माइनस वन और टू ओके नेक्स्ट पे आते हैं फिर सेवेंथ सेवेंथ क्या देख रखा है थ्री वन फाइव टू थ्री वन फाइव टू अगेन चलो इसको कॉलम से बता देते हैं तो इसको लिख लेते हैं थ्री वन फाइव टू इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स है ए बोल देते हैं इसको ठीक है दिस मैट्रिक्स इज़ ए और आई आई यानी कि वन ज़ीरो जीरो वन ये हो गया हमारे पास अब क्या किया जाए यहाँ से पहले यहाँ पे वन लेके आना है थ्री वाले जगह पे तो सी वन और सी टू को सीधे सीधा क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरचेंज करने से हो जाएगा काम हमारा यह आ जाएगा वन यह आ जाएगा थ्री यह आ जाएगा टू यह आ जाएगा फाइव तो इधर भी इंटरचेंज कर देते हैं इंटरचेंज करने से ये ज़ीरो ये, ये वन ये वन ये ज़ीरो ओके फिर ये हो गया हमारे पास अब की बार थ्री की जगह पे क्या करना है जीरो लेके आना है तो सी टू में ऐसे करते हैं सी टू माइनस थ्री सी वन ठीक है सी टू माइनस थ्री सी वन तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास वन और टू इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा और सी टू माइनस थ्री सी वन करेंगे तो माइनस का वन बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू ए टाइम्स ए टाइम्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास सी टू तो ये जीरो ये वन और माइनस का थ्री सीवन करेंगे तो दिस वन विल बी माइनस सॉरी वन माइनस थ्री सी वन है ना वन माइनस थ्री तो ये तो जी सॉ ये वन ही रह जाएगा हमारे पास और जीरो ये माइनस थ्री हो जाएगा हमारे पास फिर अगला क्या करना है यहाँ पे वन बनाना है तो सी टू में सी टू में क्या किया जाए माइनस का सी टू बस सिंपली वन टू ये हो जाएगा ज़ीरो ये हो जाएगा वन इक्वल टू सी टाइम्स सॉरी ए टाइम्स ए मैट्रिक्स ले रखा है ना तो ए टाइम्स कितना आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो वन ये माइनस वन हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास थ्री हो जाएगा ओके okay? यहाँ पे जीरो बनाते हैं तो जीरो बनाने के लिए क्या किया जाए सी वन में सी वन माइनस टू सी टू कर देते हैं ठीक है सी वन माइनस टू सी टू किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास वन ये हो जाएगा ज़ीरो ये ज़ीरो ये वन इजिक्वल टू ए सी वन में माइनस का टू सी टू करेंगे तो ये हो जाएगा टू और यहाँ पे माइनस का टू सी टू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का फाइव ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा कितना थ्री तो ये इन्वर्स हो गया हमारे पास तो ए इनवर्स जो है वो क्या निकल के आ गया हमारे पास टू माइनस वन माइनस फाइव और कितना थ्री टू माइनस वन माइनस फाइव थ्री ठीक है ये आंसर हो जाएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट फोर फाइव थ्री फोर फोर फाइव थ्री फोर लिखते हैं ए इजिकल टू ए आई टाइप से सॉरी आई ए टाइप से मतलब रो वाला तो यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे फोर फाइव थ्री फोर ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आई वन ज़ीरो जीरो वन और ए दिस वन तो पहले वाले में क्या किया जाए पहले फोर को वन बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे दूसरा कोई उपाय नहीं है आर वन में आर वन बाई फोर करना पड़ जाएगा रो वन में तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये वन हो जाएगा और दिस वन विल बी फाइव बाई फोर दिस वन विल बी थ्री दिस वन विल बी फोर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास आर वन में आर वन बाई फोर यानी कि वन बाई फोर दिस वन विल बी जीरो दिस वन विल बी जीरो दिस वन विल बी वन और ये हो जाएगा हमारे पास ए अगला टारगेट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जीरो बनाना है तो R2 में R2 और माइनस का कितना कर दिया जाए थ्री आर कर देंगे तो आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वन uh, है ये फाइव बाई फोर इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें चेंज होएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और फोर माइनस फोर माइनस थ्री टाइम्स कितना हो जाएगा फाइव बाई फोर पंद्रह बटे चार सोलह बटे चार एक बटे चार वन बाई फोर आ जाएगा हमारे पास ठीक है इज़ इक्वल टू वन बाई फोर जीरो ये ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा माइनस का थ्री आर वन करेंगे तो आर टू माइनस थ्री आर वन माइनस का थ्री बाई फोर हो जाएगा और ये तो हमारे पास वन ही रहेगा और इधर ए फिर अगला क्या करना है मैं यहाँ पर वन बनाना है तो आर टू में सीधा सीधा क्या कर देते हैं फोर आर टू आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा वन ये फाइव बाई फोर ये जीरो और ये कितना वन फोर से ये कर दिया जाए तो फोर से करेंगे तो ये तो वन बाई फोर ये जीरो ये फोर से करेंगे तो ये माइनस थ्री और ये कितना फोर कितना ए ओके okay, अब यहाँ पे फाइव बाई फोर को क्या करना है हमें जीरो करना है तो क्या किया जाए आर वन में आर वन माइनस फाइव बाई फोर क्या किया जाए आर टू कर दिया जाए ठीक है तो हो जाएगा वहाँ से ये वन और फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर आर टू करेंगे तो जीरो ये जीरो ये, ये वन ये तो इधर बन गया हमारे पास आइडेंटिटी टारगेट हमारा ये होता है कि आइडेंटिटी हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इधर कितना हो जाएगा आर वन में आर वन माइनस फाइव बाई फोर यानी कि वन बाई फोर में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव बाई फाइव इंटू थ्री बाई फोर पत्र पंद्रह एक सोलह बटे चार चार हो जाएगा हमारे पास ये वन विल बी फोर और डीसवन एवल वी ज़ीरो माइनस फाइव बाई फोर तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यही माइनस फाइव आ जाएगा और ये माइनस थ्री और ये कितना फोर और ए तो हमारे पास इनवर्स कितना हो जाएगा ए इनवर्स ए इनवर्स जो हो गया वो हमारे पास आ जाएगा फोर माइनस फाइव माइनस थ्री और कितना फोर ठीक है फोर माइनस फाइव माइनस थ्री फोर ओके सही है आंसर हो जाएगा हमारे पास अगले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन है हमारे पास थ्री टेन टू सेवन थ्री टेन टू सेवन ओके इसको सॉल्व करते हैं ए इक्वल टू आइए ए कितना हमारे पास थ्री टेन टू सेवन इक्वल टू आइए यानी कि वन जीरो ज़ीरो वन आई और कितना ए अब यहाँ पे थ्री को थ्री को वन बनाना है तो आर वन में सीधा सीधा क्या कर देते हैं आर वन बाई थ्री कर देते हैं तो आर वन बाई थ्री करेंगे तो यहाँ पे वन बन जाएगा ये बन जाएगा टेन बाई थ्री ये टू ये सेवन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना वन बाई थ्री ज़ीरो ज़ीरो वन ए ओके okay, फिर यहाँ पे टू को जीरो करना हमें तो आर टू में आर टू माइनस टू आर वन कर देते हैं वन टेन बाई थ्री जीरो और सेवन माइनस ट्वेंटी बाई थ्री सेवन माइनस ट्वेंटी बाई थ्री इक्कीस बटे तीन एक बटे तीन आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू आर टू माइनस टू आर वन तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं वन बाई थ्री जीरो और माइनस का टू आर वन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टू बाई थ्री और इसको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि जीरो ऊपर में ये ए होगा हमारे पास ओके अब क्या करना है यहाँ पर हमें वन बनाना है तो आर टू में सीधा सीधा क्या कर देते हैं थ्री आर टू कर देते हैं तो थ्री आर टू करेंगे तो कितना हो हम जाएगा हमारे पास ये वन दिस वन एवल टेन बाई थ्री दिस वन विल बी ज़ीरो दिस वन विल बी वन ओके और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला तो वन बाई थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू और ये कितना हो जाएगा हमारे पास थ्री हो जाएगा इंटू कितना ए अब टेन बाई थ्री को जीरो करना है तो आर वन में क्या करना पड़ेगा आर वन माइनस टेन बाई थ्री आर टू तो कितना बन जाएगा हमारे पास ये वन ये टेन बाई थ्री माइनस ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये वन ये वन क्या हमारे पास इजिकल टू वन बाई थ्री प्लस कितना हो जाएगा ट्वेंटी बाई थ्री वन बाई थ्री प्लस ट्वेंटी बाई थ्री ट्वेंटी वन बाई थ्री सेवन हो जाएगा ठीक है और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का टेन ठीक है वन बी माइनस टू दिस वन नंबर बी थ्री एंड हेयर इज़ ए तो हमारे पास जो ए इनवर्स आ जाएगा सेवन माइनस टेन ए इन्वर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सेवन माइनस टेन माइनस टू ये आंसर हो गया हमारे पास ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कितना था ये क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नाइन टेन थ्री माइनस वन फोर माइनस फोर टू थ्री माइनस वन माइनस फोर टू थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन माइनस फोर टू अगेन ए इज इक्ल टू आई ए करके निकाल लेते हैं ओके थ्री माइनस वन माइनस फोर टू इज इक्ल टू वन जीरो जीरो वन और ए इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे पहले वन बनाते हैं तो वन बनाने के लिए क्या किया जाए आर वन में आर वन बाई थ्री कर देते हैं रो वन में नहीं कितना जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा वन और दिस वन विल बी माइनस का वन बाई थ्री दिस वन इज माइनस फोर दिस वन इज़ टू ये ऐसा रह जाएगा हमारे पास इसको करेंगे तो ये वन बाई थ्री ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये वन कितना ए माइनस फोर है हमारे पास तो आर टू में क्या किया जाए आर टू प्लस फोर आर वन ठीक है तो ये वन ये माइनस का वन बाई थ्री ये हो जाएगा ज़ीरो और प्लस का फोर यानी कि टू माइनस कितना रहेगा फोर बाई थ्री तीन दुनिया का छः माइनस दो दो बटे तीन इक्वल टू आर टू में चेंज करना है तो आर वन को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं वन बाई थ्री जीरो फोर आर वन करेंगे तो फोर बाई थ्री हो जाएगा और ये हमारे पास वन रहेगा ए फिर क्या करना है कि यहाँ वाले को वन बनाना है तो कितना करना पड़ेगा थ्री बाई टू आर टू में थ्री बाई टू आर वन कर देते हैं तो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे वन यहाँ पे माइनस का वन बाई थ्री ये ज़ीरो और ये वन बन जाएगा थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई थ्री जीरो थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाई टू तो टू हो जाएगा हमारे पास और ये थ्री बाई टू हो जाएगा ए अब यहाँ पे क्या करना है इसको ज़ीरो करना है तो कितना करना पड़ेगा हमारे पास आर वन में आर वन और प्लस वन बाई थ्री आर टू आर वन में आर वन प्लस वन बाई थ्री आर टू तो ये हो जाएगा वन ये वन बाई थ्री आर टू करेंगे तो ज़ीरो ये जीरो ये वन ये हो गया हमारे पास प्लस वन पे इक्वल टू आर वन में वन तो बाई थ्री आर टू करेंगे तो टू बाई थ्री ये हो जाएगा वन और वन बाई टू हो जाएगा ये ठीक है और ये टू और ये थ्री बाई टू ए तो ए इन्वर्स हमारे पास कितना हो जाएगा ए इन्वर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन वन बाई टू टू थ्री बाई टू वन वन बाई टू टू थ्री बाई टू ओके ये आंसर हो गया हमारे पास ओके okay. बाकी के जो क्वेश्चन हैं कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास जो भी है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे Okay, thank you.